देशर राजधानी दिल्ली में आप और बीजेपी काउनसिलर जारी रही घमासान चरम सीमार पहुंची। शुक्रवार एमसीडी सभागृह स्टैंडिंग कमिटी निर्वाचन बेले दुई दल काउनसिलर विवाद सृष्टि होता विलंबित रात में पुलिस निकट में अभियोग दुई दल काउनसिलर पार्टितुंड जारी रही सेली ओब्रॉय एमसीडी सभागृह को मुलतवी घोषणा करते स्टैंडिंग कमिटर छटी आसन पर निर्वाचन आसंता फेब्रुआरी 27 तारीख दिन 11टे पुणी हो समस्त अवगत कराई तेज आज बीजेपी तरफ या प्रेस वार्ता कर एमसीडी के रूल्स में भी लिखा हुआ है कि नहीं लेके जाना चाहिए और पहले ये तय भी हो गया कि नहीं जाना चाहिए। उन्हीं के एक सीनियर मुकेश गोयल जी के कहने पर ही तय हुआ और रूटीन में जाता भी नहीं है तो इस बात पर झगड़ा कि नहीं नहीं अंदर जाएगा, इसका मतलब क्या आप क्या कराना चाहते हो? अंदर जाकर के अपने अपने लोगों को आपने कहा है कि फोटो खींच के भेजो, आपको अपने आदमियों पर विश्वास नहीं है? और जल्दी जल्दी में 40-45 वोट डल जाते हैं क्योंकि 40-45 में लगभग 30-32 आम आदमी पार्टी के पार्षद थे, वो पहले से सिखाया हुआ था उन्हें। जब बात आगे बढ़ती है तो बीजेपी के विरोध पर रुक जाता है, चुनाव रुक जाता है और वो इस बात की जिद में रहती है कि ये चुनाव यथावत चलना चाहिए, ऐसा ही चलना चाहिए। बीजेपी मांग करती है कि इस चुनाव को रद्द करना चाहिए और दूसरा जो मोबाइल है वो अंदर नहीं जाना चाहिए, इसके लिए प्रिजाइडिंग ऑफिसर बोले। अलोकतांत्रिक प्रक्रिया से उनकी गुंडागर्दी के कारण निगम के सदन को पार्षदों को बंधक बना लिया जाता है और लगभग 24 घंटे हाउस चलता है। दिल्ली के निगम के इतिहास में लगभग 60 सालों में आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ